उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खरीद से होंगे। जो मैंने भी अकेडमी चैनल सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने से पहले हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें, ये हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ऐसा कि मार्केट के बारे में बात करते हैं, आज मार्केट में 44514 पर ट्रेड कर रही है और -300 पॉइंट के करीब इसने आज लूज किए हैं। इसकी जो थोड़ी रिपोर्ट देखते हैं पीपी एंड लिपि जी इन्वेस्टमेंट लोकल इन्वेस्टमेंट के हवाले से, कि आप देख सकते हैं कि आज जो है बैंक ने फिर बाइंग की है। हमारा ब्रोकर प्रॉपर्टी ट्रेडिंग जो है ना, हमने प्रॉफिट बुक किया है और माल को बेचा है, 5 अप्रैल में माल को बेचा है और हमारे इंडिविजुअल ने आज माल को बाय किया है और म्यूचुअल फंड ने आज फिर सेलिंग की। इस वजह से आपको मॉर्निंग में जो है वो प्रेशर आपको मतलब होल पूरे दिन ही आपको मार्केट में प्रेशर दिखाई दिया। उसकी जो है सबसे बड़ी मेन वजह है वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्रूड ऑयल की वजह से। क्रूड ऑयल सुबह जो है वो तकरीबन 111 के राउंड जो है ना वो ट्रेड कर रहा था, अभी ये जो है 108 पे ट्रेड कर रहा है। तो जैसे ही क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे आएंगे तकरीबन उस हिसाब से हमारे मार्केट के अंदर एक रिकवरी देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए म्यूचुअल फंड को जो है ना इसको एक्टिव होना पड़ेगा, जिसकी बाइंग की वजह से ही मार्केट जो है वो उसके अंदर थोड़ी सी रैली आपको मिल सकती है। अगर इसने कल फिर सेलिंग की तो फिर जो है ना मार्केट आप जो है ना प्रेशर के अंदर आ जाएगी और मार्केट नेगेटिव परफॉर्म करती रहेगी। इस हमारे जो जो है ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, काइंडली शेयर को जो है वो माल को बाय करें, तो उसके बाद जैसे ही प्रॉफिट मिले आप उसको सेल आउट कर दीजिए। इस वक्त होल्डिंग वाली पोजीशन नहीं है, आप पहले कोई भी चीज़ होल्ड ना करें सिवाय वो स्टॉक जो ब्लू चिप स्टॉक है उन्हें बेशक होल्ड कर सकते हैं। और बाकी जो आप इंट्राडे वाले हैं और बाकी जो इतने जो है जो उनको आपको प्रॉफिट हो रहा है शेयर करने, तो उसको काइंडली उस वक्त निकाल दें, क्योंकि ये चीज़ें आपको शेयर वापस लोअर प्राइस पे दोबारा मिल जाएगा। इस हमारे से परेशान हो, मार्केट कहीं नहीं भागी जा रही, मंदी गुजर रही है, सिर्फ वो थामो सबर से आप थाम लें। और आज भी एक बंदे ने मुझे कॉल किया, मुझे कहते हैं जी कि मैं TRG 93 को उठाया हुआ है, तो वो जो है अभी सेल ऑफ कर दूँ उसको, आई थिंक उस टाइम थी 71 की उस टाइम ट्रेड हो रहा था, तो मैंने कहा होल्ड करें इंशाल्लाह ये ऊपर जाएगा। तो उसने सेल ऑफ कर दिया। बाद में जब ये न्यूज़ आई थी अभी के हवाले से, मैंने वो वीडियो भी शेयर किए थे अभी की, तो वो उसके पास बड़ा पछता रहा था। मैंने कहा पेशेंस तहमुल आपको करते नहीं है, सफर से काम लेते नहीं है, जल्दबाजी से उनकी चीज़ें प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं, जल्दबाजी से तो लॉस बुक करके बैठ जाते हैं, उसके बाद पछता करें। थोड़ा सा जो है ना मार्केट को टाइम दें और मार्केट की शेयर जो है वापस से प्राइस पर आ जाते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए सफर और तहमुल की जरूरत है। आप मार्केट आप जो अपनी इकानमी हालत भी देखें, पाकिस्तान की क्या इकानमी हालत है और आगे जो है इसका फ्यूचर प्राइस बढ़ रही है, हमारा एक्सपोर्ट बिल भी बढ़ेगा और इकानमी के अंदर जो है ना आपको जो है ना प्रेशर लेगी, पहले सब फेमस आउट होगा कि SCPF का जो है वो भी हमारे सर पे जो है ना मंडार है बादल, और जो है दुबई की कसर है वो हमारे जो अपोजिशन साहिबान है उनके मतलब अहतमान तरीके लेके आते हैं, तो उस हवाले से भी बेचनी सूरत हाल जो है ना वो पैदा हो जाती है। तो बस ये इस चीज़ को आप जो है थोड़ा सा गौर दिया करें, बस कह रहे हैं मतलब ये कि म्यूचुअल फंड की बाइंग बहुत जरूरी है, और अगर ये म्यूचुअल फंड की बाइंग नहीं भी होती और आप मार्केट में एक प्राइसेस अच्छी शेयर लोअर टाइप में मिलती है उन्हें बाय करें, और जैसे ही पॉजिटिव जोन मिल जाए उसी वक्त सेल आउट कर दें, उसको होल्ड करने का जो है ना वो अभी सिनेरियो नहीं है, ये मेरा कहने का मकसद है। अगर हम जो है वो टेक्निकल चार्ट की तरफ जाएँ तो RSI भी इस वक्त जो है इसकी डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ है, और नेगेटिविटी जो है ना वो अभी भी जो है ना वो नेगेटिव के अंदर ही है, पॉजिटिव ट्रेंड इसका भी नहीं हुआ, और हमारे लिए 44,800 जो है ना वो एक्सचेंज लेकर 44,800 के आसपास क्लोजिंग देती है, और तभी हम इसको मार्केट को पॉजिटिव डायरेक्शन में देख सकेंगे। अदरवाइज जो है अभी तक मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव ही है, और हमारा जो है ना ये मैं कल ही मैंने वीडियो शेयर की थी इसके हवाले से, जो मैं टेक्निकल एनालिसिस बताया था उसी के है हम तकरीबन आज मार्केट ने इसका परफॉर्म किया, मैंने कल ही बता दिया था आप लोगों ने ये मार्केट नेगेटिव
हो सकती है म्यूचुअल फंड की जो है वो सेलिंग आई हुई है। और जो है हमारा इसके ऊपर जो है अभी मैंने ये बताया कि 380 के राउंड अबाउट जो है वो मार्केट जो है वहाँ सपोर्ट ली थी, तो मार्केट ने उसको भी ब्रेक किया और जो 44,153 के राउंड बड़ा सपोर्ट लेना शुरू किया। उसकी मेन वजह ये है कि हमारा जो ऑयल सेक्टर है, हाँ, ओ जी पी सी और पी पी एल, इसकी वजह से जो है ऑयल सेक्टर से जो है मार्केट को सपोर्ट मिला। दूसरा हमारा जो मेन है टी आर जी था, वॉल्यूम इंटरनेशनल टी आर जी रहा, जो न्यूज़ चली है इसके हवाले से वो मैंने शेयर की थी और मैंने वो मेरी पूरी अलग बनाई हुई है। तो टी आर जी भी एक मेन अपना सेक्टर की वजह से चला, सपोर्ट मिला। ओ डी पी सी ने भी अच्छा परफॉर्म किया, पी पी एल ने भी अच्छा ऑयल ने अच्छा परफॉर्म किया, तो इस वजह से मार्केट के अंदर आपको थोड़ा सा जो है ना वो नेगेटिव की उसकी रिकवर हुई। और मार्केट जो है इस वक्त 44 आ गई थी, उस वक्त जो है ना मार्केट में नीचे और चढ़ने की ताकत ही नहीं थी, मार्केट जो है ओवर सोल्ड सिचुएशन में चली गई थी। कल भी ओवर सोल्ड थी और आज वही जो है ओपन होने के टाइम जो है वो तकरीबन उसमें स्टार्टिंग में तकरीबन 400-500 पॉइंट जो है ना वो लूज कर दी, तो उसके बाद जो है मार्केट के अंदर यहाँ से तक रिकवरी देखने में आई। और यही अच्छी बात है कि मार्केट में आप तकरीबन 300 पॉइंट जो है ना वो लूज हुई है, 300 पॉइंट उसमें आए तकरीबन रिकवर कर लिए अपने। तो कल जो है कल अब कल हमारी जो म्यूचुअल फंड की बाइंग आती है तो ये मार्केट में कोई डिफिकल्टी आप देख सकते हैं, अदरवाइज म्यूचुअल फंड में कल दोबारा सेलिंग की तब तक यही हालात होंगे। और लेकिन मेरी ये अपील है बाबा आपको, आप अपने जो है ना ये शेयर को लोअर साइड पे बाय करें और हायर साइड पे जो है ना वो सेव करें, कोई भी शेयर जो है ना वो होल्ड ना करें। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं जो बार बार कहता हूँ कि हमेशा ब्लू चिप स्टॉक के अंदर ही अपनी ट्रेडिंग करें और ब्लू चिप स्टॉक लाजमन अपने पोर्टफोलियो में जो है ना वो रखें। सबसे पहले जो है ना मैं ब्लू चिप की बात करूँ तो ये NCL है, निशा चुनिया। देखें निशा चुनिया आज 300 पॉइंट या 600 पॉइंट गिरने के बाद भी ये किसी तरह 17 जो है ना वो अपने पॉइंट लूज किए हैं, जो पर कुछ भी नहीं है, तो नेगेटिविटी के अंदर भी ये जो है ना परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो शेयर है ये काइंडली इसको जो है ना अपने पोर्टफोलियो का लाजमी हिस्सा बनाए, ताकि जो है ना आपको अगर एक तरफ से आपको लॉस हो तो एक तरफ से आपके पोर्टफोलियो में इजाफा होता रहता है, एक डिविडेंड भी आपको मिलता रहता है, कैंसिल रिटर्न प्लस जो है ना इसकी फेस वैल्यू बढ़ती रहती है। तो एक तो ये है, इसके बाद हमारा जो दूसरा है वो JSKCS ग्लैक्सोस में, ये 253 पे है, मतलब ट्रेड कर रहा है और तकरीबन 0.06 इवन पे है। तो मैं अगर आपको बता दूं कि ये ब्लू चिप स्टॉक है तो लाजमी अपने पोर्टफोलियो में लाजमी ऐड करें, ताकि आपको इसके बाद जो हमारा एफर्ट है एग्रो फर्टिलाइजर, इसने 0.35 से लूज किया है, ये भी ब्रेक इवन के ऊपर ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये आपको ये चीज़ें ये सबको बोलते हैं रिकवर हो जाता है, ये इतना बड़ा बस्ता रिकवर नहीं भी होता, तो आप जो है ना एवरेज बाई किया करें, ताकि वन टाइम जो है ना वो कोई भी चीज़ ना बाय किया करें। बेहतरीन स्ट्रेटजी होती है जो है ना एवरेज बाइंग से आपका लॉस भी नहीं होता और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर रहती है। उसके बाद है जी एग्रो पॉलीमर, जो है ना इसने आज अपने पॉइंट लूज किए हैं और 63.50 तक गया ही है, कुछ भी नहीं है जी। आप इसको मैं यही कह रहा हूँ एवरेज बाइंग करें और अपने स्टॉक के हिसाब से वो लाजमी बनाएं, ताकि आप लोगों की जो है ना वो इसमें एक तो ये एवरेज बाइंग करते रहे तो आपको लॉस कभी भी नहीं होगा, ये वापस घूम करके अपनी पैसे से वापस आ जाता है। और ये तो अभी जो है जी APCL ये अभी तक एक्स नहीं हुआ, तो जो एक्स होगा तो उसके बाद इसमें बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद है अगर कोई जो है वो उसके पास पोर्टफोलियो बड़ा है तो वो ज़्यादा बुरा टाइम एक्शन में जाना चाहता है, रेट थोड़ी ज़्यादा हो, तो वो है कि OGPCL, OGPC
एल जो है ई पे ऐसा शेयर है, इसने अच्छा परफॉर्म किया आज भी है भी के अंदर भी, तो इन शेयर को लाजमी अपने स्टॉक का हिस्सा बनाएं। और ये देखें एक साल तो 78.60 है, ये भी जो है ना स्टार्टिंग इसको नहीं करते हैं कोरोना की वजह से, ये इस हद तक प्राइस ऑफ देख गए थे, तो उसकी एवरेज जो है ना यही बनती है 92 है, तो इसकी एवरेज बनती है 85-84 से नीचे जाते ही नहीं, तो इसको जो है लाजमी अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं। मैं बार बार यही कहता हूँ आप लोगों से, और ये ब्लू चिप स्टॉक है। उसके बाद पीपी है, पीपी ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, ये 84 और ये साल के लो पे था ना, ये नीचे गिरता भी रहता है, नीचे गिर जाएगा, उस नीचे गिरता भी है तो गाड़ी के बाहर रखा और जो है वो बाय करें ताकि आपका जो है लॉस कम से कम, अगर उसमें लॉस होता ही नहीं, ये घूम फिर के वापस अपनी जगह पे आ जाता है। और मैंने एक चीज़ नोटिस ये भी की है, हमारे जितने भी मेम्बर्स हैं हमारे तकरीबन 50% लोगों को एवरेज बाइंग आती ही नहीं है, वो वन टाइम शॉर्ट जो है ना वन टाइम बाइंग कर लेते हैं, उसके बाद जो फंस जाते हैं, फिर उसके बाद वो देखते रहते हैं कि कब जो है ना वो प्राइसेस वापस आती हैं और उनका लॉस भी कवर होता है, या वो लॉस बुक करके बैठ जाते हैं। तो कहीं मेरे चैनल पर अगर आप जाएँ तो मैंने वहाँ पर एवरेज बाइंग की भी वीडियो शेयर की है, आप उसको भी लाजमी वॉच करें। और इसके अलावा हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, हमारा ग्रुप जो व्हाट्सएप ग्रुप जो फ्री है वो लाजमी जो है ताकि आपको मार्केट से हमारे से अपडेट मिलती रहे। और इसके अलावा जो है सर आपने मार्केट के बारे में जानना है, आइटम के बारे में जानना है, व्हाट्सएप नंबर पे ग्रुप में जाने के बाद व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली भी गाइड करता रहूँगा। ओके जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिए।